श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि माघ महीने की महिमा क्या है और धर्म ग्रंथों में भी माघ महीने का वर्णन किया गया है। क्यों? हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 11वां महीना माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। माघ स्नान के महत्व को इंगित एक पौराणिक कथा है जो पद्म पुराण में जिसका वर्णन मिलता है। पहले हम एक छोटी शॉर्टकट में बता देता हूं। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे समस्त वेद वेदांगों धर्म शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता थे। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां जानते थे। इतना विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग धर्म के कार्यों में नहीं किया। पूरा जीवन केवल धन कमाने में ही गवा दिया। जब सुव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें स्मरण हुआ कि मैंने तो धन तो बहुत कमाया लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। यह सोचकर वो पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया लेकिन सुव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय सोच रहे थे। सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। सुव्रत ने माघ स्नान का संकल्प किया और 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था लेकिन माघ मास में स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। तो यह है माघ का महिमा। माघ मास में प्रयाग में स्नान, दान, भगवान विष्णु के पूजन व हरि कीर्तन के महत्व भगवान तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है। माघ मकरगत रवि जब होई तीर तपही तिही आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहीं सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परसी अखे बटु हर सही गाता। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि व्रत दान और तपस्या से भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। महाभारत में भी इसका उल्लेख है कि जो माघ महीने में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वो धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो अपने कुल का उद्धार कर देता है। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्ग लोक में रहने की इच्छा हो उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदी में प्रातः स्नान करना चाहिए। हिंदू धर्म में माघ मास स्नान तप व उपवास के लिए श्रेष्ठ माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मास में यदि विधि पूर्वक भगवान माधव की पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माघ मास में विधि पूर्वक भगवान माधव की पूजा से पहले सुबह तिल, जल, फूल कुश लेकर इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि जो भी करो आप अच्छा करो। फिर प्रार्थना भी करनी चाहिए। माघ मास की ऐसी महिमा है कि जिसमें जहां कहीं भी जल है वो गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नेमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि इस प्रकार पूरे मास भगवान माधव का पूजन किया जाए तो अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।